Hello and welcome to Access mini tutorial from Computer and Excel Solution channel. And today, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम replace function का use कर सकते हैं Microsoft Access में. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले Microsoft Access को open करना है और यहाँ से Microsoft Access हमने open कर लिया. Blank database पे click करेंगे, create पे click करेंगे. Now move on to the view and अब हमको जाना है design view पे. तो design view पे आ गए और यहाँ पर इसको कोई नाम दे सकते हैं. फिलहाल मैं टेबल वन ही रहने देता हूँ. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है. और नेम जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होगा. यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे इसको. इस तरीके से ये हो जाएगा. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी नाम लिखना है. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम नरेश सूरज सौरभ. ये देखिए ये मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है. अब ये नाम लिखने के बाद हमें जाना है क्रिएट में और हमें क्वेरी बनानी है. तो क्वेरी डिजाइन में आ गए हम और यहां से ऐड करिए और यहां से हम नेम ले लेते हैं. और यहां पर हमें रिप्लेस फंक्शन का यूज करना है. क्या यूज करना है, रिप्लेस फंक्शन. आर से रिप्लेस होता है, मैंने यहां आर लिख दिया है और यहां लगाएंगे हम रिप्लेस. ओके ओके. अब यहां पर रिप्लेस लगाने के बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाइए फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए. यहां पर नेम को ही, नेम में ही हम रिप्लेसमेंट करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है. तो यहां नेम हमने लिख दिया और नेम लिखने के बाद जिसको भी रिप्लेस करना है कॉमा दे दीजिए. इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं यहां से. यहां पर जिसको भी रिप्लेस करना है उसको आप क्या करेंगे, डबल इंटेड कॉमा में लिखेंगे. जैसे मान लीजिए नेम में कहीं भी ए आया हो तो उसको रिप्लेस कर दीजिए और ए के बदले क्या आ जाए, बी आ जाए. यहां पर मैं बी दे देता हूं, ठीक है. तो ये देखिए ये बी दे दिया हमने. और यहां पर देखिए ये रिप्लेस फंक्शन हम लगा चुके हैं. अब हमको क्या करना है, सीधा रन पे क्लिक करना है. तो ये रन पे क्लिक कर दिया हमने. अब देखिए जहां जहां ए आया है उसकी जगह पर ये बी इसने ऑटोमेटिकली कर दिया. यहां पर देखिए ए राम नरेश में ए है तो यहां बी हो गया है. नरेश का ए के बजाय यहां पर देखिए फिर बी हो गया है. सूरज में ए के बजाय बी हो गया, यहां पर देख सकते हैं आप. इसी तरह से अगर मैं फिर कोई नाम लिखता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा महेश तो यहां एम ए एस एम ए एच ई एस एच ये लिखा हमने. और यहां पर जैसे ही हटेंगे यहां से तो ये जो है बी में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हम रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं. उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी. बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में ये छोटे छोटे फॉर्मूले बड़े ही कारगर साबित होते हैं. वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.